दोस्तों, मैं आज बताऊंगा जो गैजिया बाइक में स्कूटर में जो किक का समस्या आता है वो कैसे ठीक करते हैं, और इस किक को ज़रा सा भी नहीं हिल रहा तो इसको ठीक करेंगे। पूरा वीडियो को वॉच करना और लाइक या सब्सक्राइब कर देना। चलो इसको खोल लेते हैं, इसको खोलना पड़ेगा। चलो खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये इसको, इस चैम्बर को हम लोग फटाफट से खोल लेते हैं, खोल लो के आप लोगों को दिखाते हैं जो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और उसको सही करके आप लोगों को बताएंगे। चलो इसको खोल लेते हैं फटाफट से। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर में ही प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्कूटर में लोग सेल्फ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्कूटी में किक यूज़ लोग कम करते हैं, इसलिए ये जाम हो जाता है। उसको कैसे सही करना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले इसको खोलना पड़ेगा, खोल लेता हूँ फटाफट से। चलो ये हमारा निकल गया, इसको ऐसे धीरे धीरे काफी ज्यादा टफ है। इसके अंदर एक स्क्रू रहता है, इसको खोल लेना। चलो हमने खोल लिया और इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और चलो ये अभी भी लॉक है, ये अभी भी पूरा लॉक है, दिखाता हूँ एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। और चलो वीडियो को वॉच करो। चलो हम लोगों को इसको खोलना पड़ेगा, इस बाहर का जो कवर है इसको खोलना पड़ेगा। चलो हम लोग खोल लेते हैं, पहले खोलने के बाद दिखाता हूँ। चलो ये सब लोग सब हम खोल लिया, अभी इस पेनियम को बाहर निकालना पड़ेगा। लॉक हो गया, पूरा जंग लग गया है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इसलिए ये जंग लग गया है। चलो इसको सभी सही करके अभी देखो पूरा फ्री है। चलो हम लोग ग्रीस प्रीस कर लेते हैं, इसको पूरा बढ़िया तरीके से काम कराएंगे, फिर फिटिंग करेंगे, फिर आप लोगों को किंग मार के दिखाएंगे जो काम हुआ हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो वीडियो को वॉच करना। चलो ये हमारा पूरा प्रॉपर काम कर रहा है और दिखाते हैं। और चलो इसको हम लोग ऑयलिंग कर लेते हैं, ऑयल वगैरह देके एकदम इजी कर लेते हैं।
हमारा बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी इसको ग्रीस करना पड़ेगा जो कि पूरा जंग धूल में एकदम ये हो गया है। चलो हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। चलो इसको हम लोग ग्रीस कर लेते हैं बड़े तरीके से। चलो फटाफट से हम लोग इसको ग्रीस कर लेते हैं। इसमें वाशर रहता है जो कि यहाँ पे है। एकदम पूरा ग्रीस हो गया ये, और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीस देना पड़ेगा। ऑयल वगैरह देके एकदम चलो इस तरफ से इसको ऐसे बैठा देना है और सेट। क्योंकि वॉशर पहले लगा देता हूँ। जो कि अब ये लग चुका है, अभी इस लॉक को लगाएंगे। लॉक हमारा इस तरफ से लगेगा। चलो ये लॉक हो गया है और मैं घुमा के थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये बढ़िया तरीके से अब काम कर रहा है। चलो लगा के दिखाते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आप लोगों को फिटिंग करने के बाद दिखाता हूँ। चलो फटाफट से हम इस गार्ड को भी लगा लेते हैं, और ये स्क्रू को सब लगाने के बाद लॉक करना पड़ेगा। इस जो लॉक है घाट घाट करा हुआ है उसको लॉक करना पड़ेगा। चलो लॉक करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। चलो हम लोग इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं। क्योंकि हमारा अभी लग गया है, अभी इसको टाइट कर लेते हैं लॉक को। चलो ये हमारा लग गया, अभी इसको स्क्रू को टाइट करना पड़ेगा। चलो ये फुल टाइट हो गया, अभी इसको लगाएंगे। और ये देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये सेल्फ पिनियम का काम करता है गार्ड। चलो यहाँ भी थोड़ा सा ग्रीस कर देता हूँ मैं। चलो इसको अब लगा देते हैं। इसको ऐसे बैठा देना है जस्ट।
ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि जगह जो है बहुत शॉर्ट है। चलो ये हमारा लग गया, अभी बड़े तरीके से लग गया। अभी टाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ जो किक काम कर रहा है कि नहीं पूरा। चलो हम लोग अभी बोल को टाइट कर लेते हैं। चलो हम लोग फटाफट से इसको टाइट कर लेते हैं। चलो टाइट करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। हम लोग इसको फुल टाइट कर लिया। अभी किक मार के आप लोगों को दिखाता हूँ जो ये किक काम कर रहा है कि नहीं। चलो किक मारो। तो जो कि हमारा किक बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। चलो वीडियो को यहीं में से ख़त्म करता हूँ, और पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।